कुंभ मेले में लोगों के बिछड़ने और मिलने की कहानियां तो आपने जरूर सुनी होंगी। कुछ ऐसी ही कहानी आज तीर्थ नगरी ऋषिकेश में देखने को मिली। जी हाँ, 5 साल पहले हरिद्वार अर्धकुंभ में लापता हुई एक बुजुर्ग महिला को कुंभ पुलिस ने उसके परिजनों से मिलाया। इसके बाद परिजनों और महिला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस दौरान बूढ़ी माँ को देख बेटा और बहू खुशी के मारे रो पड़े। माँ के मिलने पर बेटे दिलेश्वर पाठक ने उत्तराखंड पुलिस का आभार व्यक्त किया। मेंटली थोड़ा दिक्कत था इनको, और 2016 में 8वें महीने में निकली हैं घर से। तब से हम लोग छानबीन कर रहे थे, बहुत ढूंढे इधर उधर, पुलिस कंप्लेन भी किए, नहीं मिली। आज मैं उत्तराखंड पुलिस का शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हमारी मम्मी को ढूंढने में हमारी पूरी तरह से मदद की है लोग। अच्छा, माता जी ने क्या बताया, कहाँ रही इतने साल, क्या क्या करा उन्होंने? अब वो धार्मिक स्थानों पे घूमती रहीं, अयोध्या हुआ, बनारस हुआ, इलाहाबाद हुआ, सब घूमते घूमते उत्तरा यहाँ हरिद्वार में पहुँची हैं, त्रिवेणी घाट पे, ऋषिकेश में। अच्छा, तो अब माता जी साथ जा रही हैं कैसे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ माता जी जा रही हैं, राजी खुशी से। निवास स्थान कहाँ पर है आपका पूरा? नादेपर, जोगिया, उदयपुर, डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश। 2016 में हरिद्वार में हुए अर्धकुंभ के दौरान कृष्णा देवी अपने परिवार से बिछड़ गई थी। पिछले 5 साल से वो बिना परिवार के रह रही थी। एक ओर वह आज अपने परिवार से मिलने से जहां खुश है, वहीं माँ गंगा को छोड़ने का ख्याल उन्हें दुखी कर रहा है। अब उनकी इच्छा अमरनाथ दर्शन करने की है। ऐसे मैं घूमती रही। कहां पर? रामेश्वर गई, कन्याकुमारी गई, तिरुपति बालाजी, सोमनाथ, पुष्कर, गंगा सागर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऐसे घूमती रही। अच्छा, तो पैसे की व्यवस्था नहीं रही होगी, कैसे कैसे करा आपने ये सब? पैसा गंगा मैया दे रही थी। अच्छा, तो कभी इस पे सोचा नहीं कि घर वापस जाना है, बच्चों से संपर्क करें? है, मेरे पास सब कुछ है, मोबाइल है, लेकिन सब कुछ, लेकिन मैं संपर्क करके क्या करती? मेरे पास था नहीं, फोन नंबर नहीं था, वो नंबर भी होता तो मैं फोन नहीं करती। अब घर जा रही हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत कष्ट हो रहा है। ऐसा क्यों? बच्चों से मिल रहे हैं, परिवार से मिल रहे हैं? परिवार तो मिल गए, सब कुछ हो गया जी, लेकिन माँ गंगा तो छूटी जा रही है। तो क्या है अब आपकी प्रार्थना माँ गंगा से जाते जाते? अब क्या माँ गंगा से ही प्रार्थना था, माँ गंगा मुझे तो सब कुछ करवा दी, एक ही अमरनाथ बाकी रह गया, अमरनाथ नहीं मैं कर पा रही हूँ। सालों पहले अपने परिवार से बिछड़ी कृष्णा देवी को मिलाने का श्रेय ऋषिकेश पुलिस को जाता है। कुंभ थाना SSI दीपक रावत ने कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन के माध्यम से लापता बुजुर्ग भी अपने परिजनों से मिल सकते हैं, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था। बुजुर्गों को परिजनों के सुपुर्द करते हुए पुलिस की ओर से मुंह मीठा भी करवाया गया। ये कुंभ मेला के दृष्टिगत कुंभ मेला पुलिस द्वारा सत्यापन किए जा रहे थे। हमने इनका सत्यापन किया था 11/1/2021 को। एक सत्यापन हमने एक महिला का किया जो हमें त्रिवेणी घाट में मिली, और इसको हमने सिद्धार्थनगर भेजा। इन्होंने अपना पता है सिद्धार्थनगर गांव नादेपार पोस्ट जोगिया उदयपुर का बताया, तो हमने इनको वहां भेजा इनका जो है सत्यापन करके, और इनको वहां से हमें आज ये लोग आए कि ये हमारी माता जी हैं और ये 2016 में गुम हो गई थी। इनके पति भी आए, इनकी बहन भी आए। फिर हमने जो है अपने सूत्रों से इनका पता किया, अपने जवानों से दिखवाया, और ये त्रिवेणी घाट पुलिस इंचार्ज उत्तम रमोला को बताया, सभी के प्रयास से, पुलिस के प्रयास से इनको देखा गया जो त्रिवेणी घाट में मिली। उसके बाद हमने आज इनको इनके सुपुर्द कर रहे हैं, ये लोग बहुत खुश हैं।